नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारा जो अध्याय है 15वां, मोहन राकेश। इनका जो जन्म है सन 1925 में और इनकी मृत्यु जो है 1972 में हुई। तो सबसे पहले इनका जो परिचय है वो पढ़ लेते हैं अपने, कि नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 कॉमरेसर में हुआ था। अब ये पंजाब के हैं, पंजाब में इनका जन्म हुआ था अमृतसर में। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। अब पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया है और जीविकोपार्जन के लिए, यानी कि जो अपनी जीविका चलाने के लिए, इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया था। इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरी नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया था। और ये जो है ना, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे इनका नाटक है, और इसके लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत व सम्मानित किया था। फिर 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो गया। अब 1972 में इनका निधन हो गया और इनका जो जन्म है वो हुआ था 1925 में, और 1972 में असामयिक निधन हो गया इनका 3 दिसंबर को। अब इनके द्वारा जो लिखी गई कृतियाँ हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह और भ्रमण वृत्तांत। तो जो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं वो है अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, और जो नाटक हैं वो है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। फिर जो कहानी संग्रह है इनके द्वारा लिखी गई जो है क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। इनके जो निबंध संग्रह वो है परिवेश, और भ्रमण वृत्तांत जो है वह है आखिरी चट्टान तक। तो जो इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा जो पाठ्यक्रम में संकलित है इनका जो अध्याय आखिरी चट्टान, ये एक रोचक यात्रा का संस्मरण है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। अब 1952 से फरवरी 1953 के बीच में मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। अब देखिए, मानव मनोविज्ञान है ना, और सामाजिक संरचना की दृष्टि से और उसकी सूक्ष्म समझ के कारण से यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। भौतिक मतलब कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो संसार इसमें कह सकते हैं कि जो भूमंडल पर विद्यमान है ऐसे भौतिक विवरण में, और जो आंतरिक मनोदशा है, लेखक की मनोदशा कैसी है, उसका उदाहरण ही बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। अब इतनी अधिक पारदर्शिता है कि लेखक के जो अनुभव है ना, वो पाठक अपने आप में अनुभव कर रहे हैं और पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। अब कन्याकुमारी का जो सूर्यास्त है ना और सूर्योदय का जो अत्यंत सूक्ष्म जो अंकन है, इस पाठ की अनुपम विशेषता है। मानव लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो, ऐसा लगता है कि जैसे कलम से प्रकृति का इन्होंने चित्रांकन कर दिया हो, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो रचना है इसमें संकलित की गई, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखित आखिरी चट्टान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कन्याकुमारी का वर्णन इसमें कर रहे हैं कि कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। अब कन्याकुमारी को सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। अब एक होटल है कैप, तो वहाँ का ये दृश्य का वर्णन कर रही है कि कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। अब देखिए, लेखक कहता है कि मैं भारत के जो स्थल भाग हैं उसके आखिरी चट्टान को देख रहा हूँ। तो पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थीं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल शिव है। चट्टान जिस पर कवि स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई समय भी समाधि
स्थित सी लगती थी या लग रही थी। अब लेखक कहता है कि जो आखिरी चट्टान है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और महासागर के संगम पर, जो संगम स्थल है वहाँ पे वह चट्टान स्थित है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, और हर तरफ से वो पानी की मार को सहती हुई ऐसा लगता है कि वह स्वयं भी समाधिस्थ हो गई है। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की शाह चट्टानों से टकरा रही थी। शाह कहते हैं कि शाही जैसी काली जो चट्टाने हैं उनसे टकरा रही थी। बलखाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी। अब जो बलखाती हुई जो लहरें ना वो रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियाँ बन जाती थी। अब देखिए जिनके ऊपर जो ना पानी की जो लहरें आ रही थी, तो ऐसे लगता है जब बिखरने के बाद में ऐसा लगता है जैसे कि चूरा बूंदों की जालियाँ बन जाती हैं, जैसे बूंदे हैं ना वो चूरा जैसे जाली है तो जाली का समान बन जाती थी कि जालियाँ बिखर रही हैं। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। अब देखिए किस प्रकार से शक्ति का विस्तार हो रहा है और विस्तार की शक्ति बन रही है, विस्तारित हो रही है शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। अब लेखक जो है अंतिम छोर पे खड़ा हुआ है भारत के, और वहाँ पे तीनों तरफ पानी ही पानी है, और सिर्फ जो है फिर भी सामने जो क्षितिज है जहाँ धरती और आसमान के मिलन का स्थल रहता है, तो वहाँ भी हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। ये लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। अब लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ कुछ है भी नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है तीनों तरफ। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। अब लेखक कहता है कि मैं उस जो दृश्य को देखकर इतना अधिक खो गया कि मैं अपनी सुदबुद्धि खो चुका हूँ, और मैं भूल गया कि मैं हूँ अर्थात एक जीवित व्यक्ति हूँ, दूर से आया हुआ यात्री हूँ, एक दर्शक हूँ। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान, जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी अब तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी गिर गई। अब लेखक कहता है कि मैं इतना अधिक उसमें डूब गया, अर्थात डूबने का मतलब ये नहीं कि वो पानी में डूब गए हैं, बल्कि ख्यालों में इतनी डूब गई हैं कि उनको पता ही नहीं लगा कि जिस चट्टान के ऊपर वो खड़े थे वो पानी से घिर चुकी है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया, सिहर मतलब कि एकदम से मैं भयभीत हो गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूद कर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। अब लेखक कहते हैं कि मेरी जो चट्टान है ना वो भी पानी से घिरने लग गई थी, तो मैं ये देखकर भयभीत हो गया, और मेरे सामने जो उमड़ता विस्तार था उस पर मैंने नज़र डाली और पास की एक जो सुरक्षित चट्टान थी उस पर कूद कर किनारे पर आ गया। पश्चिम क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था, मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। अब लेखक कहते हैं कि जो सूर्यास्त का समय ना वो बहुत अधिक आकर्षक होता है, तो सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था, मैं भी सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। अब लेखक कहते हैं कि दूर पश्चिमी जो तट रेखा है उसके एक मोड़ के ऊपर पीली रेत का जो एक छोटा जो ऊंचा टीला है वो नज़र आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियाँ उस दिशा में जा रही थीं, मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियाँ मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थीं। अब लेखक एक दृश्य चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि जब ये जा रही हैं तो इनके सामने जो एक मिशनरी जो युवतियाँ मोक्ष की समस्या पर विचार करती हुई जा रही थीं, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। अब लेखक कहता है कि मैं पीछे जा रहा था उनके, लेकिन मोक्ष का रहस्य पा लेने के लिए वैसे नहीं जा रहा था मैं कि कोई इसका अन्य अर्थ नहीं निकालें। यूँ उनकी बातों से कहीं रहस्य में आकर्षण उनके युवा शरीरों में था, और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। अब लबादा मतलब कि लंबे कोट जैसा जो उन्होंने पहन रखा था, जो वस्त्र पहन रखे थे, तो इतने अधिक आकर्षक लग रहे थे क्योंकि जो पीली रेत थी उसके ऊपर सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लगता है। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुँच गए। यह वह सैंड हिल थी, सैंड मतलब जो रेत है ना उसकी चट्टान थी, ये मिट्टी ही मिट्टी थी, चारों ओर रेत ही रेत था, जिसकी चर्चा मैं वहाँ पहुँचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। अब लेखक बता रहे हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे।
और गवर्नमेंट जो गेस्ट हाउस है ना, जो सरकारी गेस्ट हाउस में जो आए हुए हैं, तो उनके लिए जो बैरें हैं सूर्यास्त के समय की जो कॉफ़ी पिला रही थी, उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। अब जो उनके होने से जो सैंड हिल है काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, तो कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ जो है सुंदर रंगों का रेशम पहना था। तो हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिश्रण युवतियाँ वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह हैं, उनसे कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु, मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। अब लेखक कहता है कि मैं एक जो छिटका हुआ बिंदु था उसके समान वहाँ पर स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल में सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। अब देखिए सैंड हिल से सब नज़ारा दिख रहा था, लेकिन अरब सागर की तरफ एक ऊंचा टीला था जो उसके विस्तार को अपनी ओट में लिए हुए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहा, रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। अब लेखक कहता है कि मैं सूर्यास्त का पूरा विस्तार देखना चाहता था और कुछ देर तो सैंड हिल पर रुका रहा, लेकिन उसके बाद में मैं जो है आगे टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहाँ पहुँचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊँचा एक और टीला है। और लेखक कहता है कि मैं टीले पार कर रहा हूँ तो एक टीला पार के तो उसके आगे एक और टीला भी है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। और लेखक कहता है कि सूर्यास्त का जो दृश्य ना पूरी निकटता से मैं देखना चाहता था कि बीच में कोई अवरोध नहीं आए, लेकिन मैं एक के बाद एक टीले को जल्दी जल्दी पार करने लगा। मेरी टांगें थक रही थी लेकिन मन अभी भी थकने का नाम नहीं ले रहा था, और हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है और उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नज़र आ जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। अब लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे करके मैंने सारे जो टीले थे वो पार कर लिए, और वास्तव में मुझे जो है वह खुला विस्तार सामने दिखाई देने लग गया। वहाँ से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी में से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी है और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो, सर मतलब जीता हूँ। तो यह था कि लेखक जो है सूर्यास्त के दृश्य को, मनमोहक दृश्य को देखने के लिए एक के बाद एक टीले को पार करता है और अंत में वह उस टीले पे पहुंच जाता है जो कि आखिरी अवरोध था। और जो लेखक हैं वो निकटता से सूर्यास्त का जो दृश्य है वो निर्विवाद रूप से, निर्विघ्न रूप से देख रहा है, और वो सोचता है कि मैंने ही इस टीले को पहली बार जो है वो जीता है, विजित किया है। तो ये था भाग एक के अंतर्गत जो हमने अध्ययन किया है। तो इसके बाद में हम जो है आगे भाग दो में अध्ययन करेंगे कि आगे क्या दृश्य होता है, किस प्रकार की स्थिति रहती है। तो ये हमारा रहेगा भाग दो जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए धन्यवाद।